गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप कहीं जा रहे हैं ये सोचते हैं कि यहाँ से खड़े होके हम उस अपने टारगेट को देख लेंगे तो नहीं देख पाएंगे। अगर आप किसी रोड पे चल रहे हैं सामान्य तरह से, आपको देखने में लगेगा कि आगे जो बादल हैं वो पेड़ों से सटे हुए सड़क में मिले हुए हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे ना तो उतना ही दूर और दिखेगा। तो उसी तरह से कुछ इसमें भी है बाबू, ये सोचिए कि अगर हमें सब आने लगेगा तो ऐसा नहीं है। बेसिक सीखते चलिए एक तरफ से, जहाँ तक आपको आ रहा है वहाँ तक करिए, जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो उसके आगे भी सीख जाएंगे। आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है और ये है कहाँ। तो ये कक्षा चार की जो NCERT गणित है आपका, यानी कि परिषदीय किताबों के हिसाब से, ये आपके किताब में है, यानी कि पेज नंबर 27 पे दिया गया है। तो हम कक्षा चार की गणित पढ़ रहे हैं तो एक तरफ से पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। अभी और भी चीज़ें शामिल करेंगे, केवल जोड़ना ही नहीं करेंगे, इसलिए क्लास पूरा देखिएगा। देखिए ये सामान्य जोड़ नहीं है, इसमें तीन पद हैं। ऐसे में कैसे करते हैं, हमें एक एक सवाल से चलेंगे। सिंपल में वही होता है जो हासिल वगैरह आता है। तीन, ये चार में दो जोड़ेंगे तो कितना होगा, छः। छः में तीन जोड़ दिया कितना हो गया, नौ। बाकी इसको जोड़ लीजिए, नौ तीन बारह और बारह दो चौदह के चार, हासिल कितना आया, एक। जो हासिल आता है इसके ऊपर ऐसे लिख के घेर देते हैं, समझ गए ना। कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा तुरंत। देखिए तीन दो पाँच नौ चौदह, हासिल आया एक। अब ये हासिल इसमें पहले जोड़ देते हैं, बाद का कोई लफेड़ा ना रहे। तो आठ एक नौ, नौ पाँच चौदह, चौदह तीन सत्रह, हासिल फिर कितना आया, एक। अब इसे को इसमें जोड़ देंगे, नौ एक दस, तीन तेरह दो पंद्रह। ध्यान दीजिए, अब पंद्रह के पाँच नहीं लिखेंगे, पूरा पूरा पंद्रह लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं, सब खत्म है, समझ गए ना। वैसे इसको भी कर लेंगे, लेकिन इसमें अगर हमें एक जीरो करते बीच में ना, देखिए थोड़ा सा रुचि बढ़ जाएगी आपकी। अब क्या करेंगे, सात चार ग्यारह एक बारह के दो, हासिल आया एक और एक हासिल तो ये हो गया तीन, तीन छः एक सात। देखिए इसमें कोई हासिल नहीं आया था क्योंकि सात अकेला पद है, ध्यान से समझिएगा। अब तीन में जीरो जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं, तीन ही रहेगा तो जुट जाएगा ये पाँच। पाँच में भी कोई हासिल नहीं क्योंकि ओनली एक अंक होता है। आठ एक नौ, नौ तीन बारह, बारह पूरा लिखेंगे, इसमें हासिल तो आएगा लेकिन इधर कुछ नहीं, इस वजह से पूरा लिख दिया जाएगा। आगे देखिए, इसमें मान लेते हैं कि हम इसको मिटा देते हैं कुछ अलग तरह सवाल हो गया, आप कैसे करेंगे। चार एक पाँच और तीन आठ, और ये तीन दो पाँच चार नौ, और ये चार तीन सात एक आठ, इसके सामने कुछ नहीं है तो यहाँ आप जीरो जीरो लिख करके ये आठ लिख सकते हैं। देखिए हमारा ये टारगेट है कि जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती उसको भी आने लगे। अगर आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है या फिर कोई भी है तो उसे आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम कक्षा चार की गणित नहीं, कक्षा एक से लेकर के कक्षा ट्वेल्थ यानी कि इंटरमीडिएट तक की गणित आपको हम सिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ये मत सोचिएगा जोड़े घटाना हर दिन चलेगा, अवकलन समाकलन भी चलेगा किसी दिन, ठीक है ना। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कक्षा दस में समांतर श्रेणी वगैरह चल रहा है इस समय, तो यही नहीं होता हर दिन। बाकी ऊंचे लेवल की भी मैथ होती है, कंपटीशन की मैथ भी होती है, रात आठ बजे से ट्रिकी मैथ मास्टर क्लास। आगे देखिए, दो जीरो में दो जीरो में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, चाहे अठारह जीरो जोड़िए, इसमें दो जोड़ेगा तो दो ही रहेगा। तीन तीन छः तीन नौ, आठ एक नौ, नौ नौ अठारह, अठारह में आठ जोड़ेंगे हो जाएगा छब्बीस। क्लियर हो गया, खत्म। अब क्या करेंगे, आगे देखिएगा अगला टाइप का कुछ सवाल। अब देखिए इन सवालों को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी आवाज कुछ कम आ रही होगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि आज हमने माइक्रोफोन नहीं लिया हुआ है, आज कोई भी ऑफलाइन क्लास नहीं है, केवल ऑनलाइन, तो हम धीरे इसलिए बोल रहे हैं, किसी को सुनना नहीं है, ओनली कैमरे में आवाज पहुंचनी चाहिए बस। देखिए इनको कैसे करेंगे, ये आपको थोड़े गंदे लग रहे होंगे तो इनको मैं थोड़ा सा सफाई कर देता हूँ। अब सही है, सब जीरो जीरो है, ऐसे सवालों में कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, वैसे ही करते हैं जैसे बचपन से करते आए हैं। तीन में जीरो जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा,
तीन में दो जुड़ेगा पांच, और ये तीन दो पांच, ये आठ और नौ नौ अठारह। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई हासिल वगैरह नहीं है। अब बात मुसीबत की इसमें आती है, इसमें कैसे करेंगे ना, देखिए ये मैंने थोड़ा स्पेस बना दिया, तीन में दो तो पांच हो गया, लेकिन पांच में जीरो जुड़ेगा तो क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जीरो का गुणा कर दिया ना तो सब जीरो हो जाता है, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, तो ये पांच ही होगा, और जीरो में जीरो जुड़ेगा, जीरो जीरो जीरो। जीरो में कुछ भी जोड़िए, अगर आप कहीं भी जीरो को जीरो में जोड़ते हैं तो जीरो ही आता है, जीरो का जीरो में गुणा करते हैं तो जीरो आता है, जीरो में जीरो का भाग करते हैं तो जीरो ही आता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपके बहुत काम का है ये। ये नौ तीन बारह, क्लियर, ये तो आपने समझ लिया। आपके कक्षा चार की ही किताब में खाली स्थान भरने वाला ये पार्ट आपको दिया गया है, इसे आप यहाँ से समझ रहे होंगे। इसको कैसे करते हैं जी, जल्दी से बताओ सभी लोग। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना होता, जैसे लिखा होता है उसी में थोड़ा सा माइंड लगा करके उसको उतार लेना होता है। जैसे गौर करिएगा, 2370 इक्वल 2370 और प्लस, फिर इधर खाना बना हुआ है। अब इसमें क्या भरें ऐसा हम कि दोनों पट बराबर हो जाए, यानी कि 2370 में क्या जोड़ें कि 2370 के बराबर आए। अगर इसमें एक भी जोड़ देंगे तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ना हो क्या जोड़ें ऐसा, लेकिन जोड़ें जरूर, समझ रहे ना, जोड़ें जरूर लेकिन ज्यादा भी ना हो, कोई फर्क भी ना पड़े। तो ऐसा क्या है जिसका जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है जीरो, बस हो गया आपका सवाल। अगला देखिए, 3735 में 2656 जोड़ना है, फिर बराबर का चिन्ह लगा है, इसको आप जोड़ेंगे नहीं। ये कॉलम में क्या ऐसा भर दें हम कि उसमें 3735 जोड़े तो दोनों बराबर हो जाए, आखिर सिंपल सी बात है, दोनों तरफ बराबर बैलेंस होने चाहिए। इसके लिए ये तो उधर है बट ये नहीं है, तो आप इसी को भर देंगे इसमें 26 और 56। नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके। समझ गए होंगे ना आप लोग, इस तरह के सभी सवाल आप समझ गए होंगे तो जल्दी करें। अब जो आप देखेंगे ये छोटी छोटी रीजनिंग है आपकी, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके एक अच्छा चार की गणित में ही तो है, लेकिन रीजनिंग की शुरुआत यहीं से होती है, गौर से देखिएगा। देखिए इन सवालों में क्या है, कुछ अंक दिए गए हैं कहीं कहीं और कुछ भरने हैं, लेकिन ये जोड़ बनना चाहिए सही सही, यही इसमें भरना है माइंड लगा करके। गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दीजिएगा, बिल्कुल एक सेकंड लगेगा, एक बार टच करना है बस। जिन लोगों ने किया दोबारा से नहीं करेंगे, वरना दो लाइक नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जीरो आया है, यहाँ पर नौ आया है, इसमें कौन सी ऐसी गिनती रही होगी कि नौ आएगा, आखिर कौन सी ऐसी बला होगी इसमें, जरा सोचिए। पांच में पांच जोड़ेंगे तो दस होगा, दस का जीरो यहाँ आएगा, हासिल एक आएगा जो कि इसके ऊपर रखा जाएगा, है ना। अब ये हासिल अगर हम जोड़ देते हैं सात में तो क्या होगा, आठ होगा, लेकिन यहाँ नौ लिखा है, नौ लिखा, नौ कैसे आया, आखिर भाई हासिल भी जोड़ दे रहे हैं, इस गिनती को जोड़ दे रहे हैं तो आठ ही हो रहा है, नौ नहीं हो रहा है, तो नौ करना है ना, तो इस पे एक रहा होगा, क्या रहा होगा, यहाँ पे वन रहा होगा। अब देखिए एक में एक जोड़ेंगे दो और सात जोड़ेंगे नौ, हो गया ना, सही बैठ रहा है ना, समझ गए, अगर नहीं समझे तो फिर से देखिएगा। आगे देखिए ये सात में पांच जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल सी बात है, सात पांच बारह, यहाँ पे हासिल आएगा दो, यानी कि 7 5 12 होगा, 12 का 2 कैरी हो जाएगा, 1 1 इसके ऊपर हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर पांच कैसे आएगा भाई, एक को तीन में जोड़ेंगे चार होगा, पांच तो नहीं होगा ना, पांच तब होगा जब इसमें एक रहा होगा। ये आपके कक्षा चार की गणित की किताब में दिए गए सवाल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये परिषदीय विद्यालयों की किताब है, आपके टेट सीटेट और अन्य परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी साबित होता है ये रीजनिंग, यही से शुरुआत होती है रीजनिंग की बेसिक। इसमें देखिए क्योंकि इसमें माइंड लगता है, माइंड लगता है इसमें,
छः चार क्या होगा, दस, दस का जीरो हासिल आएगा एक, इसके ऊपर हासिल एक हो गया। अब देखिए यहाँ पे सात कैसे आएगा, है कोई उपाय भाई, हासिल एक था और दो, ये कितना हो गया, तीन हो गया, तीन हो गया ना। लेकिन सात कब आएगा, जब तीन में चार जोड़ेंगे तो सात आएगा ना, तो यहाँ पे आप चार कर सकते हैं, समझ गए, कोई हासिल वगैरह नहीं। अब दो में एक जोड़ेंगे ये तीन हो जाएगा सिंपल सा। कैसे लगे आपको ये सवाल, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे लगे होंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से, या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। कर लिया, वीडियो को रोक करके लिख लिया करें, तुरंत जल्दी करें, हो गया ना। तो बस अगर अब तक अभी नहीं लिखा आपने तो आप लिख लीजिएगा, और मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, उनको आप करके लेके आएंगे, क्या क्या भरेंगे इनको आप बताएंगे खुद ही, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से बताइए पहले में क्या भरेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क अवश्य करिएगा, वरना गड़बड़ है आगे, आप इसको याद रखिएगा। जल्दी से बताइएगा सभी लोग क्या आएगा, क्योंकि कुछ सोचना पड़ रहा है ना भाई इसमें, हमें भी ऐसे तो नहीं दिख रहेगी ना। एक सवाल और, जल्दी से बताइएगा इसमें क्या भरेंगे, आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोक करके, हो गया ना। तो आगे चलें, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जानकारी दी गई है उनको ध्यान से देखिए, अगर आप ये वीडियो